नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को चौथे दिन बजट पेश किया जाएगा। यूपी में 18वीं विधानसभा का ये पहला बजट सत्र है। वहीं लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद योगी 2.0 का भी ये पहला बजट होगा। बताया जा रहा है कि यूपी का बजट इस बार करीब 6,10,000 करोड़ का हो सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। माना जा रहा है कि इस बजट में विशेष रूप से किसानों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस होगा। साथ ही चुनावी वादों को पूरा करने का भी प्रयास किया जाएगा। दूसरी बार सरकार बनने के बाद यह पहला बजट है। हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर खड़े उतरें। विपक्ष से अनुरोध यही करेंगे कि ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें, और ये जन कल्याण का बजट है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है, और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा। और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर और विशेष रूप से युवाओं पर। ये हमारी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही। कोरोना के बावजूद हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारी मितव्ययता और अनुपयोगी खर्चों में कटौती, ये तमाम वो विषय हैं कि जिससे उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही। अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। जिस तरह से लगातार काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए आज बजट पेश किया जाएगा, तो उसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाएगा। योगी सरकार का ये दूसरा बजट है, और दूसरे बजट और इस खबर में हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। अजय जुड़ चुके हैं रायबरेली से, और हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। अजय, जिस तरह से आज बजट आ रहा है, महिलाओं को भी काफी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, उनके घर का बजट भी बिगड़ गया था, तो क्या लगता है आज उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पे आज आने वाला बजट खरा उतर सकता है? पहला बजट है, माना जा रहा है कि 6,10,000 करोड़ का बजट है, जो सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो इसके जो महिलाओं का महंगाई को लेकर बजट था, कहीं ना कहीं उस पर होना चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके से महिलाएं घर का जो बजट बिगड़ रहा है उसको लेकर तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र की तरफ से कम किए गए, क्या राज्य की तरफ से भी कुछ इसमें राहत दी जा सकती है? आपको बता दें कि राज्य की तरफ से भी राहत दी जा सकती है, क्योंकि काफी बड़ा बजट है। कोरोना काल से ऐसा नहीं हो पाया था, बजट इतने अच्छे से नहीं पाते, लेकिन योगी की 2.4 की जो सरकार है, इस बार बड़ा बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अभी कैबिनेट मीटिंग में 11 बजे के आसपास जो है बजट को पेश करेंगे, और इसके साथ बता दें ये काफी बड़ा बजट है। 6.10 लाख करोड़ का बजट पेश किया जाएगा, और ऐसे में महिलाओं, छात्रों, किसानों के मतलब है, तो किसानों को बजट में उम्मीद है कि मुफ्त बिजली जो है सिंचाई के लिए उनको दी जाएगी, और छात्राओं को जो वादा किया गया था कि स्कूटी दिया जाएगा, तो उनको भी काफी उससे उम्मीदें रखी जा सकती है कि छात्राओं को उम्मीद है कि उनको जांच के बाद स्कूटी मिलेगी। जी अजय, वृद्धों के लिए भी राहत भरी खबर सामने आ सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, बस सुविधा में उनको राहत मिलेगी, तो क्या लगता है किस तरह की राहत मिल सकती है वृद्धों को? जी कहीं ना कहीं से राहत वाली बात यह है, क्योंकि जो स्थिति बढ़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे कि इस बजट में क्या क्या लाभ मिलेगा उनको, क्या बेहतर हो सकता है। जी बिल्कुल, दादा अपने पक्ष से। ये जो बजट बजट पेश होगा आज, क्या क्या लगता है तो किस चीज पे लेकर बजट पेश किया जाता है? सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो दावे किए उन पर इसके आसपास भी ये बजट होने की उम्मीद है। उसमें खासतौर से किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान होंगे। महिलाओं को बसों में, खासकर युवा वर्ग के ऊपर की महिलाओं को जो है बसों में सुविधा मिलने की संभावना बताई जा रही है बजट में। नलकूपों में बिजली
मुक्त किए जाने की भी संभावना बजट में शायद प्रावधान आएगा, योगी सरकार लाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रदान करने के बाबत भी प्रावधान बजट में आने की उम्मीद है। स्टार्टअप योजना के तहत एक ही पेजिंग पर रहती है, उनको समाधान करेंगे, उद्योग को बढ़ावा देने की भी संभावनाएं हैं बजट में। इसके अलावा महिला सुरक्षा, युवा वर्ग को रोजगार सहित ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो सरकार अपने बजट में लाएगी। जी अभी आपने देखा कि जिस तरीके से बजट की बात की जाए, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बजट में जो महिलाएं हैं, जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं इस पर जो है सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बजट में महिलाएं भी हैं और जो बजट है महंगाई को लेकर। आपने भी देखा कि लोग बताएं कि किस तरीके से ये बजट पेश होगा। अजय, व्यापारी किस तरह की आस लगाए बैठे हैं इस बजट से? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, व्यापारियों की बात करें तो वो किस तरह की आस लगाए बैठे हैं इस बजट से? अब इस बार के बजट में व्यापारियों को क्या कुछ लाभ मिल सकता है? हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं इससे बात करना चाहेंगे। ये जिस तरीके से आप बताइए, व्यापारियों के लेकर बजट, जो व्यापारियों को लेकर बजट पेश किया जाएगा, उसका क्या कहना आपका कि व्यापारी से कितना? व्यापारी कहीं ना कहीं खुश भी हैं, कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर नाराज भी हैं। अब आज बजट जो पेश हो रहा है उसमें महंगाई को लेकर सरकार क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है या बजट पेश करती है, आज बजट आपको क्या लगता है कि आज के बजट से व्यापारियों को कितना लाभ मिल सकता है? व्यापारियों को कहीं ना कहीं डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम रखने से लाभ मिल रहा है, परंतु सरकार के अवसर बढ़ाए जाए ये बजट में अवसर है। जी, कहीं ना कहीं आज बजट जो पेश होगा उसमें व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसा लोगों का मानना है कि जिस तरीके से आलू टमाटर और ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जो मूल जो दाम है उससे बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, ये लोगों का मानना है। जी हिमांशु, लगातार कई ऐसी बातें कही जा रही है कि हर वर्ग के लिए लोक कल्याणकारी होगा ये बजट। तो किसानों की बात करी जाए, किसानों के जिस तरह से गन्ना किसान की अभी तक बात करी जा रही थी, उनके भुगतान की, किसानों की बिजली की, बिजली बिल को लेकर कई बातें कही जा रही थी, तो किसानों को कितना लाभ मिल सकता है इस बजट से? प्राथमिकता पर किसान देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, इस बजट में किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। पहले बताया है कि मुफ्त जो आश्वास, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी बजट जो है उसको लगाया जाएगा। ऐसे में कई एक्सप्रेस वे इसमें शामिल है, जिनके पिछले बार ही आप ले लीजिए, गंगा एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, तो इनसे भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसे भी जो है बजट कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है। और इससे काफी प्रयास लगाया जा रहा है, क्योंकि महंगाई पे भी काफी रोकथाम लगाने में अभी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती भी की है। तो ऐसे में लोगों को जो रसोई गैस है या अन्य सामानों की है उससे व्यापारी काफी नाखुश रहे हैं। सरकार को तो इस बार उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो है न्याय किया जाएगा, इस बजट में उनको कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा, उन पर ध्यान दिया जाएगा। जी, युवाओं को क्या कुछ लाभ मिल सकता है? युवाओं के लिए क्या कुछ फोकस रहेगा इस बजट में, क्योंकि युवाओं की भी बात करी जा रही है, मेधावी छात्रों की बात करी जा रही है, उनके लिए क्या कुछ विचार कर रही है सरकार? हिमांशु, बिल्कुल, मेधावी जितने छात्र हैं उनके लिए लैपटॉप की और जो छात्राएं हैं उनके लिए मुफ्त स्कूटी देने की जो सरकार ने एक वादा किया हुआ था, उसके लिए इन लोग का प्रयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पे जो है सरकार खासा ध्यान देगी और उनको जो है टैबलेट की बात किया जाए, मोबाइल की बात किया जाए या फिर स्कूटी की, तो जाहिर सी बात उनको दिया जाएगा। और साथ ही शिक्षा का स्तर जो है सही करने के लिए शिक्षा पे काफी हद तक अच्छा बजट लगाया जाएगा। स्वास्थ्य और कई एम्स और मेडिकल कॉलेज के भी सम्मिलित होने का उस पर बजट लगाने का भी सरकार का पूरा जोर है। जी अजय, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए नजर आए थे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, किस तरह से देखते हैं अजय? सारी बच्चे जो है आज पेश होंगी, और देखी जाए युवाओं की बात करा जा रहा है कि युवाओं की नौकरी की बात की जा रही है,
सरकार ने कहीं न कहीं इससे वादा किया था कि आने वाले इस वर्ष में और जो उनका ये कार्यकाल है वो 2 वर्ष में पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि जो 100 दिन का जो ये बनाया गया है भ्रमण का जो क्षेत्र बनाया गया, भ्रमण कर रहे हैं मंत्री और जिस तरीके से तेजी के साथ भ्रमण कर रहे हैं, जो एक्शन लिया जा रहा है, जो कमियां मिल रही है उनको दुरुस्त कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारत सरकार इसमें कहीं ना कहीं बहुत आगे जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विकास होते चले जा रहे हैं। और बात की जाए आज जो युवा के रोजगारों की, तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक बजट में कहीं ना कहीं वो सस्ता होगा जी। और साथ ही साथ अगर बात करी जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र को भी और मजबूत बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश का बजट स्वास्थ्य के लिए कितना मायने रखता है अजय? जी, स्वास्थ्य की बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं एक हड़कंप सा मचा है, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जगह जगह जाके औचक निरीक्षण करते हैं, और कहीं ना कहीं देखी जाए तो इस पर जो है स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं एकदम हरकत में है, एकदम अलर्ट टाइप में है कि कहीं पर अगर एक छोटी सी गलती पाई जाती है तो एक्शन जो हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो पहले लोग आते थे गंदगी मिलती थी, जिस तरीके से लोग जाते थे लाइन लगाते थे, दवा एक्सपायरी हो जाती थी, कहीं ना कहीं इस पर देखा जाए तो बहुत प्रभाव पड़ा है, और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा इस बजट जी। बिल्कुल हिमांशु, अगर बात करी जाए आज सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट की, तो उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट करके कहा कि इसे ग्रोथ इंजन बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बजट पेश किया जाएगा उससे पूरे देश पे भी असर पड़ेगा, किस तरह से देखते हैं हिमांशु? हिमांशु, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने से पहले ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि ये लोक कल्याण के लिए है और जिस तरह से ग्रोथ इंजन बताया है इस बजट को, देश में उत्तर प्रदेश का बजट कितनी अहम भूमिका रखता है? बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और साथ ही अपने 11 बजे के आसपास बजट पेश होना है, और इसके लिए कैबिनेट को चूंकि पास किया जाता है, प्रावधान होता है, तो वित्त मंत्री जाकर के कैबिनेट चल रही है उसको पास कराना था, इससे लोगों को जो है कितना लोग कल्याणकारी होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किस चीजों पर ध्यान देगा, हालांकि माना यह जा रहा है, कयास यह लगाया जा रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कृषि पे ज्यादा ध्यान देगी, छात्राओं पे ज्यादा ध्यान देगी, तो इसमें देखना होगा कि किस तरीके से किन किन मुद्दों पे कितने बजट को लगाया जाता है जी। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रवीण भी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। प्रवीण, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से देखा जा रहा है इस बजट को, क्योंकि सदन की चर्चा में भी शिक्षा के क्षेत्र की बात भी रखी गई थी, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है शिक्षा के क्षेत्र में बजट द्वारा? बिल्कुल, बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में आज जो जिस तरह से बजट पेश होने जा रहा है, 6.1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश होगा, कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र से लेके मेडिकल क्षेत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं इसमें काफी फायदा मिलेगा। अगर बात करी जाए ब्रजेश पाठक की, जैसे ही उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, साथ में उनको एक कार्यभार दिया गया, उनको कार्यभार दिया गया और उनको स्वास्थ्य मंत्री भी बनाया गया इसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो औचक निरीक्षण जो लगातार देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के जरिए, उनके अपने FB पर देखने को मिलता है कि लगातार वो अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर कई तरह के जो निरीक्षण है, लोगों की कमियां, जो वहाँ पर जो अस्पताल की कमियां हैं वो भी देखते हैं। और बात की जाए, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। सर, क्या नाम है? नरेश शर्मा। नरेश शर्मा जी, ये बताइए कि जो बजट पेश हो रहा है इस समय और 6.1 लाख करोड़ का जो बजट है, इसमें शिक्षा के माध्यम से आप कैसा देख रहे हैं, किस तरह से शिक्षा में आगे काम होगा? काम तो अच्छा होना चाहिए, ऐसी बात नहीं, योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, काम अच्छा होना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, महंगाई जो है ना, महंगाई को थोड़ा कम करे तो अच्छा रहेगा इसके बारे में। तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको जो अब जो बजट पेश होने वाला है उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ महंगाई को लेकर, अभी तक जो महंगाई की मार लोगों के ऊपर पड़ रही थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा राहत मिलने के आसार नजर आते हैं आप? हाँ, आते हैं तो हैं, देखो योगी सरकार है, आगे क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, ये कुछ लोगों का कहना भी है साथ में कि यहाँ पर जो बजट पेश होगा इसमें कहीं ना कहीं उसी का माहौल लोगों में इसलिए देखने को मिला है कि काफी समय से महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई पे लगाम नहीं लग रही थी, तो कहीं ना कहीं ये महंगाई को लेकर भी खासतौर पे बजट में कुछ कमी देखने को मिलेगी। जी प्रवीण, आपके साथ लोग हैं, हम चाहेंगे आप उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए, जिस तरह से कहा जा रहा था कि चुनावी वादों को पूरा किया जाएगा और इस बजट में भी उन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, तो कौन से ऐसे वादे जिसके पूरे होने का इंतजार जनता कर रही है? देखिए, जैसा कि हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? राजीव। ये बताइए, जैसे चुनावी वादे किए गए थे, मैनिफेस्टो जारी किया गया था कि इन वादों को पूरा किया जाए, तो इस बजट में आपको क्या लगता है कि ये वादे पूरे होंगे? महंगाई पे कोई लगाम नहीं है, सब्जी ले लो, टमाटर प्याज 50 रुपए मिल रहे हैं, लोगों को कोई राहत नहीं है, लोग इतने परेशान है कि कहने की हद नहीं।
लगता है कि बजट में कुछ करते नहीं करते कुछ पता नहीं है। जो भी सरकार आती है वादे करते हैं, पूरा कोई नहीं करता। आज की डेट में हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है। ऑयल देख लो 170-180 रुपए है अभी, और नींबू अभी 200-250 पहुंच गया था, अब फिर से वही 30 रुपए पाव है, और टमाटर 50 रुपए किलो बिक रहे हैं। सब्जी कोई सस्ती नहीं है, लोगों में कोई राहत नहीं। जैसा कि बजट जो किया पेश किया गया था यूपी सरकार द्वारा, जब उन्होंने चुनाव के पहले जो एक मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें वो जो वादे हैं वो कैसे देखते हैं आप, इस समय जो बजट पेश होगा इसमें कैसे वो पूरे होंगे कि नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। देखिए लोगों को उम्मीद जरूर है कि कहीं ना कहीं जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो महंगाई को लेकर, खासतौर पर महंगाई को लेकर लोग काफी परेशान है, तो उसमें भी उनकी पीड़ा देखने को मिली है खासतौर पर, तो मैनिफेस्टो जो है कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिलने वाला है उत्तर प्रदेश का। जी जी हिमांशु, अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों से ही आगे का विकास का रास्ता बनता है, तो सड़कों के लिए क्या कुछ ध्यान दिया जा सकता है बजट में? बिल्कुल बताएं, कई एक्सप्रेस वे हैं और कई उसी एक्सप्रेस वे की योजनाएं हैं, लिंक रोड हैं, जैसे लिंक एक्सप्रेस वे है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है, और इसके लिए पिछले बजट में दिया भी गया था, लेकिन इस बार इसको पूरी तरह से कैप्चर करना है, इसके साथ ही पूरी तरह से इसको रोड को शामिल करना है कि जितने भी यूपी के जिले हैं एक दूसरे से लिंक एक्सप्रेस वे के जरिए जो है जुड़ जाए, और इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे भी खासा ध्यान दिया जा रहा है, उसके लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है। और रही बात बजट की, तो जाहिर सी बात है जो वादे किए गए थे तो उसको पूरे करने हैं, तो सरकार किस तरह से पहला बजट है पेश कर रही है, इसके साथ कई लोग हमारे साथ इंटरव्यू जुड़े भी है, इनसे बात करने की कोशिश करें। सर इसकी बताइए आप क्या नाम है आपका? दुकान दुकान चलाते हैं। तो आज बजट पेश हो रहा है जो भी सरकार का पहला बजट है, तो क्या उम्मीद रखते हैं महंगाई की लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर, क्या उम्मीद रखते हैं आप? सर लगता है कि महंगाई के तरीके पर हम लोग को ज्यादा जो मिडिल क्लास के लोग है, 400-500 है, जीवन को यापन करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, महंगाई को थोड़ा कम करना। बिल्कुल शिक्षा बता दें कि छोटे व्यापारी जितने भी हैं उनका जो है जो रोज जाना उनको कमाना है खाना है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महंगाई की मार जो है वो काफी झेलना पड़ता है, क्योंकि डीजल के दाम भी, पेट्रोल के दाम भी, मटेरियल जो है आप ट्रांसपोर्टर से जो है वो काफी महंगा होता है, तो कमाने पर खासा असर पड़ता है। खेती की बात करते हैं तो सिंचाई पे भी इसका असर पड़ता है, इसके सरकार जो है बजट पर ध्यान भी देने जा रही है और लोगों से उम्मीद है कि मुफ्त बिजली जो है वो दी जाएगी सिंचाई के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी संवाददाताओं का। हमारे साथ गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा, अजय प्रताप सिंह रायबरेली से हिमांशु श्रीवास्तव जुड़े थे हमारे साथ गोरखपुर से। तो हमने जनता से भी बातचीत करी है हमारे संवाददाताओं के माध्यम से, और उनसे जानने की कोशिश करी कि उन्हें कितनी उम्मीद है इस बार के बजट से, क्योंकि योगी सरकार का छठा बजट है जो की आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करने वाले है छठी बार, और योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है, और दूसरे कार्यकाल संभालते ही योगी एक्शन में नजर आ रहे हैं, और इसलिए भी ये काफी खास हो गया है। बात करें ड्रेनेज की, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने की, सड़कों के निर्माण की, पुरानी सड़कों की जिस तरह से खराब सड़कें हैं उसको ठीक कराने की, या फिर पेयजल योजना, बिजली से जुड़ी समस्याओं, तो सभी चीजों में फोकस रहेगा, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा फोकस किसानों, महिलाओं, युवाओं पर रखा गया है। साथ ही साथ जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी भी प्रदेश की, वो सड़क, बिजली, जल हो या फिर अन्य चीजें हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी चीजों पर ध्यान रहेगा सरकार का। और सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी बजट में अपने पिछली बार के बजट से इस बार के बजट में बढ़ा सकती है, और उसमें बढ़ोतरी के साथ ही जनता को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। महंगाई की मार झेल रही है जनता, तो ये भी देखना होगा कि क्या कुछ राहत मिलती है पेट्रोल डीजल के दामों में। जिस तरह से केंद्र सरकार ने तो दे दी है राहत, लेकिन केंद्र की तरफ से तो देने के बाद राज्य की तरफ से क्या कुछ राहत मिलती है, इसको भी देखना जरूरी है। और यूपी का बजट आज पेश किया जा रहा है, दूसरे कार्यकाल का ये बजट है, योगी सरकार ने अपना दूसरी बार का कार्यकाल शुरू कर लिया है,
2.0 में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। 100 दिन का खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। सभी मंत्रियों को दौरों पे लगातार हैं, अपने क्षेत्र की समस्याएं लगातार देख रहे हैं और उसी के हिसाब से लगातार बैठकें करी जा रही हैं और बैठकें करने के बाद ही इस बार का बजट तय किया गया है। हर बार का बजट पिछले बजट से बड़ा होता है और इस बार भी यही माना जा रहा है कि इस बार भी जो बजट होगा वो काफी बेहतर होगा पिछले बार से। जिन चीजों में बजट बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करी गई है उनमें इस बार के बजट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, दोनों के लिए ही काफी विचार विमर्श करने के बाद बजट लाया गया है। 2 दिन सदन में चर्चा चली, कई अहम सुझाव भी दिए गए। अब देखना यह होगा कि क्या उन सुझावों पर काम किया जाता है। आज बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कैबिनेट के साथ बैठक भी करेंगे, चर्चा करेंगे बजट पे और चर्चा करने के साथ ही इसे आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी टैबलेट के माध्यम से ही, पेपरलेस तरीके से ही इस बार का बजट भी पेश किया जाएगा। कई चीजें देखी जा रही है कि गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत किया जा सके, तमाम चीजों पर फोकस कर रही है इस बार सरकार। पिछली बार शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी फोकस किया गया था और इस बार भी यही माना जा रहा है कि इन चीजों में फोकस रहेगा। और पिछली बार से जब इस बार का बजट बढ़ाया गया है तो इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। तो गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, हर गांव तक अच्छी सड़क की व्यवस्था करने के लिए भी बजट देखने को मिल सकता है, कुछ जो आंकड़ा है उसको बढ़ाया जाएगा। तो यूपी सरकार का इस बार का जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें सोलर पैनल की कीमत कम की जा सकती है क्या, इसमें भी ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि बिजली की समस्या देखने को मिल रही है। सोलर पैनल की तरफ देश कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसके दाम में क्या कमी की जाएगी, उसके लिए कुछ बजट आएगा, इस ओर भी फोकस है। और धार्मिक स्थल अयोध्या, उसके विकास के लिए भी बजट में क्या देखने को मिल सकता है, ये आज विधानसभा में देखने को मिलेगा। और इस खबर में अब हमारे साथ कानपुर से संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, कानपुर एक औद्योगिक जिला है और उद्योग के क्षेत्र से देखा जाए एक तो कितना आस लगाए बैठे हैं इस बजट से लोग, क्योंकि वहां पे कई मजदूर भी काम करते हैं और उद्योग का बड़ा हब माना जाता है कानपुर। जी बताते जरा, कानपुर का इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पे जो योगी सरकार का जो बजट आने वाला है, इस बजट को लेकर लोग यहाँ पे बहुत मतलब सरकार से उम्मीद रखे हुए हैं कि जो बजट से उनको महंगाई की राहत मिलेगी और जो बिजली कटौती है उस पर राहत मिलेगी और जो पेट्रोल डीजल के दाम है उस पर कुछ राहत मिलेगी और सबसे बड़ा संकट जो बिजली संकट है उस पर भी राहत मिलेगी, ये लोगों का कहना है। जी, पानी की जो समस्याएं देखने को मिल रही है, गर्मी में कई जगह ऐसी खबरें सामने आई कि पानी की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही है, पानी नहीं लोगों को मिल पा रहा है और कई योजनाएं भी लाई जा रही हैं, तो उसको देखते हुए क्या माना जा रहा है, क्या है इन समस्याओं के ऊपर ध्यान देते हुए भी बजट में इस को ध्यान दिया गया होगा? जी हाँ बिल्कुल, आपको पता चले जो नगर निगम की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, अभी तक इतनी भीषण गर्मी रही है और पारा जो है 49 डिग्री तक कानपुर का हाईएस्ट किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो है नगर निगम ने किसी तरीके से पेयजल की व्यवस्था किसी चौराहे पे नहीं किया है। अब कानपुर में जो है लोग लेबर क्लास के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या अब वो लोग पानी खरीद के पियेंगे कि या वो लोग अपने घर का जो है घर को आगे बढ़ाएंगे या राशन जो देखा है कड़वा तेल देखा है तो वो महंगा है, उसके बाद जो जरूरत का सामान सब कुछ है। और आपको पता चले जो बिजली विभाग की बात करते हैं यहाँ पे और स्वास्थ्य संबंधी देखा जाए तो कानपुर में जो है आसपास जिले के जो कानपुर में घायलट हॉस्पिटल बना हुआ है वहाँ पे कम से कम 4 जिले जो हैं आसपास के जिले के लोग यहाँ पे आते हैं और उसका जो सुविधा देखी जाए तो वो अभी ना के बराबर है। सरकार कह रही है कि दवाइयां फ्री मिल रही हैं पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जनता से भी बात करिए और इस बार 6,10,000 करोड़ का जो बजट आ रहा है उससे उन्हें कितनी उम्मीदें हैं जानने की कोशिश करिए। जी हाँ बिल्कुल, आपको बताते हैं कि हमारे पास साथ खड़े हुए हैं, उनसे मैं आज बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक त्रिवेदी। अभिषेक जी, ये बताइए जो सरकार का जो बजट आ रहा है उससे आपको सरकार से क्या उम्मीद करते हैं?
देखिए उम्मीद तो हम अच्छे की करते हैं, क्योंकि पिछले सरकार ने जो वादे किए थे योगी गवर्नमेंट में और उनके जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी थे, उन्होंने तकरीबन 5.5 लाख करोड़ का जो बजट था पिछली बार, इसमें किसानों के लिए और मजदूरों के लिए और तरह तरह की सुविधाओं का ऐलान भी किया गया था, लेकिन धरातल स्तर पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। जो हुआ है, जैसे कि अब युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई, अब युवा तो यहाँ पर अच्छे रोजगार के लिए तैयारी करता, आत्मनिर्भर के लिए भी तैयारी करता, सब कुछ करता, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर राज्य सरकार के अंदर नौकरियां आती हैं और उनके लिए आवेदन करता, उसके बाद दिन रात यहाँ पर युवा मेहनत करके एग्जाम देता, उसके बाद पता चलता वहां पर धांधली होती है और धांधली के चक्कर में एक आम युवा जो होता है तैयारी करने वाला वो मात खाता है। दूसरे स्तर पर बात करें, जैसे ये स्मार्टफोन और टैबलेट योजना 24 करोड़ टैबलेट और मतलब मोबाइल फोन के बारे में बताया गया था कि इतने वितरण किए जाएंगे, लेकिन जब ऐन वक्त पर देने की बात आई उसी समय विधानसभा चुनाव आ गया, जिसके कारण इस योजना को वहीं पर रोक दिया गया। उसके बाद जब इस योजना को दोबारा चालू किया गया तो मुश्किल से ही उसमें 10 या 20% लोगों को ही इस योजना का लाभ मिला है। क्या आपको लगता है जो सरकार का बजट आने वाला है उससे क्या लोगों को राहत मिली है कि नहीं मिलेगी? उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी ये अब क्या हो इससे तो मुझे नहीं लगता। जैसे कि इन्होंने अपने चुनावी एजेंडे में जो वादे किए थे कि किसानों के लिए फ्री बिजली, सिंचाई के लिए फ्री बिजली देंगे और मेघावी छात्राओं को स्कूटी की ही बात की, तो वादे तो होते हैं और इससे पहले भी सरकारें यहाँ ही गई वादे करती रहीं, लेकिन कुछ वो हुआ नहीं जो धरातल स्तर पर होना चाहिए, उतना नहीं हुआ, या फिर सरकार अपने वादे करती है या फिर उन पर अमल नहीं करती, क्योंकि धरातल स्तर पर कहीं पर भी इस तरह का कुछ नहीं है। देखा आपने सुना कि धरातल स्थल की बात जब हुई थी अभी, तो बता रहे हैं कि धरातल स्थल पे जो है ये लोग सरकार से जो है एजेंडे से खुश तो नहीं है, पर इनकी एक उम्मीद है कि जो योगी सरकार है वो जो इनके इनपे जो है क्या कहती है कि कुछ ना कुछ इनके लिए अच्छा करेगी। और भी लोग बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मनीष सोनी। मनीष जी बजट, सरकार का बजट आने वाला है, उस पर आपको क्या उम्मीद है? सरकार जो है वो कितना आपको बजट में राहत मिलेगी आपको? भाई हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ हम लोगों को राहत मिले, लेकिन जहाँ पे महंगाई को देखा जाए तो महंगाई चरम चूम रही है, गरीब तबके का आदमी वो मर रहा है, भाग रहा है, गर्मी इतनी है, ना नगर महापालिका से कोई सहयोग मिल रहा है, ना कहीं से किसी प्रकार का कोई सहयोग मिल रहा है। बाकी हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा काम हम लोगों के साथ में हो। जी बिल्कुल उपेंद्र, महंगाई को देखते हुए काफी उम्मीद लगा रही है जनता, और जनता को बस इसी बात की उम्मीद है कि इस बजट में कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़े थे, तो जनता ने भी अपनी बात रखी है, कहीं ना कहीं आस उम्मीद है, लेकिन अभी भी दावे वादे जिस तरह से नेताओं के किए जाते हैं, चुनावी दावे वादे, उस पर भरोसा तो नहीं कर पा रही जनता, लेकिन पिछला कार्यकाल और उसके कामों को देखते हुए उम्मीद जरूर है इस बार जनता को कि इस बजट से राहत मिलेगी और जो बढ़ती महंगाई है उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। और इस खबर में हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, इस बार का जो बजट है उसमें हर क्षेत्र पे ध्यान दिया जा रहा है, सीएम ने और वित्त मंत्री ने दोनों ही इस बात को कहा भी है। मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भी बजट लाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं मेडिकल के क्षेत्र में कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है अगर बजट अच्छा रहा तो? विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको बताया कि बजट को देखा जाए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हितों में योजनाओं के साथ साथ युवा एवं किसानों को लेकर इस बार का बजट खास तौर से पेश किया जा रहा है। आपको बताया कि योगी सरकार के 2.0 का पहला बजट सत्र है, अब योगी सरकार मुख्यमंत्री के तौर पे उनके कार्यकाल में यह छठा बजट होगा। वहीं आपको बताएं कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से अगर देखा जाए तो ये छठा बजट होगा, और बजट से ठीक पहले उन्होंने पूजा अर्चना करके आज के बजट को पेश करने के लिए वो निकले हैं, और बजट पेश करने से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें बजट के जो प्रस्ताव होते हैं मंत्रियों को प्रस्ताव लेकर और बजट पेश करने उत्तर प्रदेश की जो तत्कालीन सरकार है भारतीय जनता पार्टी जो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। जी बिल्कुल बिल्कुल विभाषियों, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे क्योंकि अब बजट पेश किया जा रहा है, वो समय आ गया है जिसका उत्तर प्रदेश की जनता को इंतजार है। सदन में सभी पहुंच चुके हैं और विधानसभा में अब बजट पेश किया जा रहा है, तो यूपी विधानसभा का रुख करेंगे अब हम, क्योंकि अब यहाँ बजट पेश किया जा रहा है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल, माननीय हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल के पहले वर्ष में
प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को मोचन कराया गया। गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 17-18 से 2021-22 तक के सापेक्ष 16 मई 2022 तक 1,72,745 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया, जो एक कीर्तिमान है। इसमें पूर्व वर्षों की 10,662 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है। ये धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से 77,500 करोड़ रुपए अधिक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। हमने इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन कराया, जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों से 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आगामी 3 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा। कोविड कालखंड में औद्योगिक निवेश की गति को बनाए रखने हेतु विशेष हेल्प डेस्क संचालित किया गया। राज्य सरकार एक्सप्रेसवे, जलमार्ग, हवाई अड्डों तथा अन्य मल्टी मॉडल परियोजनाओं के माध्यम से विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे तथा निर्बाध कनेक्टिविटी के विकास को सुनिश्चित करते हुए त्वरित अवस्थापना विकास को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है। लखनऊ एवं वाराणसी में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन गया जाएगा। विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क, बल्क ड्रग पार्क, धनवंतरी हेल्थ पार्क, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, IIT, GNL ग्रेटर नोएडा, फिल्म सिटी की स्थापना, मेगा फूड पार्क, ट्रांसगंगा सिटी, प्लास्टिक सिटी, गारमेंट पार्क, लॉजिस्टिक्स हब, अपैरल पार्क, टॉय पार्क, हस्तलिप पार्क, फ्लेटेड फैक्ट्रियां आदि के संबंध में द्रुत गति से कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारंपरिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित एक जनपद एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यह हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश एक उत्कृष्ट निवेश डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। इस दिशा में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अभूतपूर्व प्रगति करते हुए देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश स्तर पर अंतर जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी संचालित किए जाने के उपरांत भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा माह मई 2020 से लागू है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मई 2020 से मार्च 2022 तक अन्य राज्यों के 37,971 राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से तथा उत्तर प्रदेश के 8,99,798 कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना एवं खाद्य तेल दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया, जिस पर लगभग 4,801 करोड़ रुपया का व्यय हुआ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। ये देश का विशालतम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम है, जिसका विस्तार अप्रैल 2022 से जून 2022 तक कर दिया गया है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त अनाज तथा 3 करोड़ मजदूरों को मार्च 2022 तक 500 रुपये प्रतिमाह का भत्ता और 98 लाख नागरिकों को 1,000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की
1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला प्रदेश बना। पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 42,50,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,61,00,000 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराकर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1,41,00,000 मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गए। एंटी भू माफिया अभियान के अंतर्गत 64,398 हेक्टेयर